सक्से जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में आपके सामने यूपी ट्रिपीएससी पीईटी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था संपूर्ण उत्तरमाला के साथ आया हूँ। ये बुकलेट सीरीज वन है, ये आपका बुकलेट सीरीज ए है। आपके बुकलेट में प्रश्नों का क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उत्तर जो बताए गए हैं एकदम सटीक हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नों का और उनके उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार क्या सही होगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपका आएगा इल्तुतमिश, फिर आएगा अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका आएगा शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो मतलब चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा, किसमें है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए जो आपका तुकाराम, ये आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको पता ही होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, चरक संहिता संबंधित है, ये आपके चिकित्सा संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो जो आपका औरंगजेब की मृत्यु है, ये आपका सही नहीं, बाकी तीनों सही हैं। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1709 नहीं 1707 था, याद कर लीजिएगा आप। छठा प्रश्न आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है उसमें। सातवां प्रश्न आपका, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई थी। तो एनी बेसेंट और लोकमान तिलक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न का मिलान करें। यहाँ पर आपको पता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था आपका राजा राम मोहन राय ने, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो उत्तर आपका हो जाएगा बी का पहला है और डी का पांचवा। मिलान कर लीजिए, मिल जाएगा बी का पहला और डी का पांचवा। तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका था, करो या मरो का नारा किसने दिया। सिंपल सा प्रश्न था, उत्तर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। दसवां प्रश्न पूछा गया, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया था। तो ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सलार पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न, वसंत विशु कब होता है। तो आपका 21 मार्च को, राइट आंसर आपका होगा 21 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अब तक आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। चौदहवां प्रश्न आपका था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो आपका है असम में, एक सिंह वाला गड्ढा भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सोलहवां प्रश्न, बैंक दर का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये आपका राइट आंसर है। सत्रहवां प्रश्न आपका, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो साख सर्जन आपका बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 18 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। 19वां प्रश्न आपका, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, 1 रुपये का नोट को छोड़ दें, तो बाकी जितने भी नोट हैं सब RBI के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है। बाकी एक नंबर के नोट पर आपका वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, RBI के गवर्नर द्वारा
100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किया जाता है। 20वां प्रश्न आपका फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर आपका होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका भारत संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची आपका राइट आंसर है। 22वां प्रश्न आपका भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 था शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 21 से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न आपका था निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित है, तो अनुच्छेद 29 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 27वां प्रश्न आपका पूछा गया था प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 18 करेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन नंबर बी 75%। संतरे में बहुतायत में कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन सी। प्रश्न नंबर 31 आपका मैथ से है, तो इसका उत्तर हो दोस्तों आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 324। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1000। 33वां प्रश्न आपका पूछा गया था ये किसके बराबर है, तो 4 - 15, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, तो आय तो पहले बात घटेगी, लेकिन घटेगी कितना, तो 16%, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पर 4 खेल का औसत दिया गया था, 5वां खिलाड़ी कोच के रूप में शामिल किया गया, इसका उत्तर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी 37। देखते हैं अगला प्रश्न एकल का विलोम शब्द क्या है, तो उत्तर होगा बहुल, ऑप्शन नंबर ए राइट है। दर्भ का पर्यायवाची कौन सा है, तो उत्तर आपका होगा अहंकार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मन को हरने वाला, तो आपका होगा उत्तर मनोहर। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो महत्वाकांक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अंग्रेजी के प्रश्न आए हुए थे, इसमें आपको उत्तर दोस्तों होगा प्रश्न नंबर 41 का उत्तर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए पर्सन हैविंग वरिड इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका जो है 42 नंबर, उसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 43वें प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, तो साइंस एंड ह्यूमैनिटी आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। 44वें प्रश्न पूछा गया था समानार्थी फेमस का होगा उत्तर आपका पॉपुलर, ऑप्शन नंबर सी सही है। 45वें प्रश्न नंबर पूछा गया था विलोम ट्रांसपेरेंस का विलोम होगा आपके ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 46वां प्रश्न आपका था पंछी विज्ञान अगर पंछी संबंधित है तो इंद्रिय विज्ञान आपका किससे संबंधित है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मानव। प्रश्न नंबर 47 था उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, तो उत्तर आपका होगा तेल, बाकी सब दूध से संबंधित है, दूध से बनता है लेकिन तेल आपका अलग है। यहाँ पर आपका किसी निश्चित कूट में आपका ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला 49वां प्रश्न है रीता को इशारा करते हुए निखिल ने कहा, इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बुआ। किसी वर्ष में 25 अगस्त गुरुवार तो मैंने सोमवार की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 5। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी पटना। प्रश्न नंबर 52 था कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है, आपका
ए रिलायंस जियो। अगला प्रश्न आपका बोल्ड, परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तर होगा आपको दोस्तों राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड 19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो उत्तर आपको होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो उत्तर आपका होगा सिरिसा बांदला, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया था उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा इसमें से ऑप्शन नंबर बी सुमित मलिक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न था भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो उत्तर आपका होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIS शुरू किया गया? तो इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न था वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली। अगला प्रश्न आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सप्टेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो उत्तर आपका होगा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका था कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? उत्तर आपका होगा 5, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन आपका होगा सान जोस, उत्तर नंबर आपका 20 राइट है। प्रश्न नंबर 63 है केंद्रीय शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर आपका होगा मलयालम, बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 550 आपका उत्तर होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर आपका होगा 14 सितंबर। वहीं अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करता तो आपका उत्तर होता 10 जनवरी। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो उत्तर आपका होगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 67 पूछा गया निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो औरंगाबाद आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 68 पूछा गया है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? पहली बात केंद्र शासित प्रदेश दिया ही नहीं गया तो क्या उल्लेख करने की जरूरत थी? ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो राइट है। प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो स्टार्टिंग वाला जो ग्रह है बुध, आपका उत्तर सही है बुध। प्रश्न नंबर 70 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर आपका होगा। ये गद्यांश आधारित प्रश्न पूछे गए थे, आइए देख लेते हैं। पहला जो विश्व शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए, उत्तर आपका ये राइट है। अगला प्रश्न पूछा गया विश्व शांति की स्थापना के लिए आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन बी आपका राइट है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं शांति सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत का अर्थ होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भली भांति, लेकिन बहुत से लोग इसका उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सटीक उत्तर इसका है दोस्तों भली भांति, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। फिर गद्यांश है प्रश्न पूछे गए गद्यांश से, प्रश्न नंबर 76 देखते हैं। प्रश्न नंबर 76 जो आपका पूछा गया है पैराग्राफ से प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 में आपका जो उत्तर है दोस्तों इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 78 विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है?
तो यातायात व संचार साधनों का विकास, उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर राइट है। 19वां प्रश्न नंबर 79 है, हस्तामलक शब्द से अप्रेरित क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 81 से 85 ग्राफ के प्रश्न पूछे गए हैं, तो जो ग्राफ का प्रश्न आपका उसमें पहले अपने आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 में आपका होगा 1 2 3 6, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 में आपका होगा दोस्तों आंकड़े अपर्याप्त, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 पूछा गया था, इसमें दोस्तों आपका उत्तर होगा 1.20, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। और प्रश्न नंबर 85 आपका जो है उसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86 से 90 तक इस ग्राफ से प्रश्न पूछे गए हैं, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो ऑप्शन नंबर ए 17-18 राइट आंसर आपको होगा, ऑप्शन नंबर ए 17-18। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न था पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो आपका उत्तर होगा 22.2%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन क्या था, तो उत्तर आपका दोस्तों होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी 62.5 मिलियन टन। प्रश्न नंबर 89 पूछा गया, तो उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही, तो ऑप्शन नंबर ए 18-19। प्रश्न नंबर 90 आपका पूछा गया था 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, 2019-20 के उत्पादन का कितना परसेंट था, तो उत्तर आपका होगा दोस्तों 3/4, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 91 से 95 तक ग्राफ पे था, तो प्रश्न नंबर 91 आपका पूछा गया है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्शाता है, प्रश्न नंबर 91 इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2016। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92 का उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 19.05, ये आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 93 का उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मतलब सी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94 आपका पूछा गया है, निम्न में से किस वर्ष में किसी विशेष में द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, किस वर्ष, दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019 आपका राइट आंसर होगा। 94 का उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना परसेंट है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट है। 95 का होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला भी आपका ग्राफ ही दिया गया है 96 से 100 तक। देखते हैं प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी सितंबर। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी, तो 97 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 35.3 आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 98 आपका पूछा गया, तो मई सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोदा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, तो इसका भी उत्तर आपका दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी 1.04 राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 99, शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, तो ट्रेडबुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। तो प्रश्न नंबर 100 मतलब अंतिम आपका पूछा गया था, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेयरखान खुले खातों की संख्या का औसत का लगभग कितना परसेंट कम या ज़्यादा था, तो उत्तर आपका होगा 57.82 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। तो ये रहा यूपीएससी पीटी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर।
तो अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।